أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أروحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين अम्मा तो किताबिलकरीम बसमिल्लर शाहरुरादानलज़ी ऊनज लफ़ीकुर हदनासी वबै नातमिनदाबाल फ़ुरान सद्लिजिला अजीजान ग्राम कादर हलूल माह मुबारक रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह का महीना तोबा और मग़फ़िरत का महीना अपनी तमाम तर मुबारक सातों के साथ हलूल कर चुका है और यह महीना जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कियाफ़त का महीना है अल्लाह की मेहमानी का महीना है मामूलन जब किसी भी ज़ियाफ़त का किसी भी मेहमानी का तस्करा होता है तो हमारे अजहान में मेहमानी या ज़ियाफ़त अनवान से जो चीज़ जहन में आती है वो खाना पीना अच्छा खाना अच्छा पीना ये ज़ियाफ़त के तस्वुर के साथ साथ हमारे यहाँ हमारे जहनों में महफूज रखता है फ़िक्र करने का और ग़ौर और तदब्बर करने का मकाम यह है कि वो रबालमीन वो रज़ाक़ करीम वो तमाम का इनात को हत्या पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को रस्क पहुँचाने वाला रहम मादर में बच्चे को रस्क पहुँचाने वाला हवा में परिंदों को पानी में मछली को रस्क पहुँचाने वाला परवरदिगार अपनी तमाम रज़ाकियत के साथ जब अपने सफरे को अपने दस्तरखान को बिछा रहा है और अपने वयूफ को अपने मेहमानों को दावत दे रहा है तो इत्तेफ़ाकन ये दावत बजाए मज़ेदार खानों और मज़ेदार मशरूबात के येफ़त ये, ये मेहमानी भूख और प्यास से शुरू हो रही है तो की बात है वो राज़िक जिसका काम रिस्क देना है और ऐसे रिस्क देना है कि जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया इतना रिस्क देने वाला परवरदिगार अपनी ज़ियाफ़त का आगाज़ भूख और प्यास से कर रहा है यकीनन हम सबको इस बात की तरफ मुतवज्जेह करना चाहता है वो राज़िक के जिसके रिस्क का कोई या रस् को बग़ैर हिसाब वो बग़ैर हिसाब किताब के, के रिस्क देने वाला है वो परवरदिगार अपनी ज़ियाफ़त का आगाज़ भूख और प्यास से क्यों कर रहा है तोज्जो दिलाना चाहता है के परवरदगार से ज़ियाफ़त उसकी मेहमानी का अगर लुत्फ़ उठाना है तो उसकी ज़ियाफ़त के लुत्फ़ को जिस्मानी और मादी लज्जतों में तलाश मत करो वो जो कहता है नाहनो वरीद हम इंसान की शहरक से भी ज़्यादा नज़दीक हैं इसका माना यह है कि वो हमारे बदन के क़रीब नहीं है बल्कि हमारी रूह के करीब है हमारे कल्ब के करीब है लहाजा जब वो हमें अपनी दावत पर बुला रहा है तो हमारे जिस्मों को दावत नहीं दे रहा हमारे मादी अबदान और हमारे बदन को दावत नहीं दे रहा बल्कि उसकी दावत हमारी रूह की है हमारे कल्ब की दावत है लिहाज़ा आप मेहमान खुदा के लिए जब आप आमादा हो रहे हैं तो आपको जहन में ये बात रखनी चाहिए कि हम जिस दस्तरखान पर जा रहे हैं वहाँ पर जिसमानी लज्जतें नहीं हैं वहाँ पर मादी लज्जतें नहीं हैं बल्कि जिस दावत की तरफ हमें पुकारा जा रहा है वो मानवी वो रूहानी लज्जतों वहीकी और लज्तों का दस्तरखान है तोज्जो फरमाइएगा कि अगर हमें किसी मेहमानी में दावत दिया जाए जहाँ पर हमारे बदन हमारे जिसम की लज्जतों का अहतमाम हो और मैं मरीज़ हो जाऊँ और मरीज़ होने के बाद मेरे मुंह में जायका ना रहे मैं ऐसा मरीज हो जाऊँ कि मुझे किसी भी मशरूब का किसी भी गज़ा का कोई जायका ना आता हो तो क्या होगा होगा ये कि मैं उस बेहतरीन दस्तरखान पर बैठने के बावजूद भी उसकी जो कैफियात हैं उसकी जो लज्जात हैं उससे मैं इस्तेफादा नहीं कर सकूँगा हम जब बीमार रूह के साथ दाखिल होते हैं मेहमानी ख़ुदा में हम जब बीमार कल्प के साथ परवरदिगार के दस्तरखान पर आकर बैठते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता हम उस मेहमानी की कैफियत और ज़ियाफ़त को दर्क नहीं कर पाते तो अजीज़ा मन हमें क्या करना चाहिए कि हम जब इस दस्तरखान पर बैठें तो हम इसकी नाम से हम इस दस्तरखान की जो अल्लाह तबारक ने हमारे लिए बिछाया और उस पर अपनी न्यामतों को अपनी बरक़ात को सजा कर रखा है उससे बेहतरीन इस्फ़ा कर सकें हमारी रूह को मज़ाए हमारा कल्ब लुत्फानंदोज़ हो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बीमार रूह बीमार कल्ब के साथ ना आएँ क्या करना चाहिए क्या करें कि हमारी रूह बीमार ना हो क्या करें कि हमारा कल्ब बीमार ना हो ताकि हम परवरदिगार की इन नामतों से ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर इस्तेफादा कर सकें इन शबकी खिदमत नार्ज़ करूँगा वालेक वरहल वबरक